गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डी ए वी पब्लिक स्कूल सीकर। क्लास फिफ्थ हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के यूज। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्या यूज है कंप्यूटर का और कहाँ पर है। फॉर डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस। अब डिफेंस सर्विसेज है उनमें कंप्यूटर का क्या यूज है आपको ये देखना है, ठीक है। सर्विस का मतलब तो होता है, सर्विसेज का मतलब तो होता है सेवाएं। डिफेंस जो आपकी आर्मी से रिलेट करती है, अब आर्मी वाले कंप्यूटर का क्या यूज करते हैं ये देखना है। तो देखो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफेंस सर्विस फॉर, कि आपका जो कंप्यूटर है वो डिफेंस सर्विस के लिए, इन चीजों के लिए या इस पर्पज से यूज आता है। वो पर्पज देखने हमें कि हमारे डिफेंस में क्या पर्पज हो सकते हैं जिनमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो देखो सबसे पहला जो आपका पर्पज है वो है कंट्रोलिंग एंड फाइल। जो भी आप फायर करते हो, वेपन्स होते हैं ना, हथियार। देखो पहला पर्पस क्या है, कंट्रोलिंग एंड फायरिंग वेपन। जो भी आपके वेपन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम में आता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। सेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए। फिर देखो सेकंड पर्पस क्या है, फ्लाइंग वार प्लेन्स टारगेटिंग एनिमीज। देखो एनिमीज कौन होते हैं, हमारे शत्रु, ठीक है। उनको टारगेट करने के लिए, और जो भी आपके पास वॉर प्लेन्स होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चलाने के लिए भी हम लोगों को कंप्यूटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी क्या होता है, हम सबकी सुरक्षा। अगर हम आज सेफ है तो किसकी वजह से है, हमारे आर्मी की वजह से हम सब सेफ है, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग सिक्योरिटी सिस्टम, ये जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आर्मी हमारी हेल्प नहीं करती, मदद नहीं करती, सिक्योरिटी नहीं देती हमें, तो क्या हम सब सेफ रह पाते, नहीं रह पाते। तो जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं, जो किसके लिए वॉर प्लेन्स चलाते हैं, हमारे लिए, ताकि वो शत्रुओं को मार सके, एनिमीज को ख़त्म कर सके और हमें सेव कर सके। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, लास्ट यूज पढ़ेंगे कि कहाँ होता है, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का क्या यूज है, यह हमें पढ़ना है, ठीक है। सबको पता होगा कि रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट्स पर क्या काम आता है कंप्यूटर। तो देखो क्या क्या पर्पस होते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज इन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स फॉर मैनी पर्पजेज। बहुत सारे पर्पजेज के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर काम आता है।
तो देखो हम इसमें पहला पढ़ते हैं बुकिंग, बुकिंग टिकेट्स, टिकेट्स को बुक करने के काम में आता है ना, एंड डूइंग रिजर्वेशन, उसके साथ साथ रिजर्वेशन के लिए भी आपका जो कंप्यूटर है वो काम आता है। अगर हम किसी चीज को पहले से बुक करेंगे हम भूल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या है, किसी भी चीज को भूलता नहीं है, वो हमेशा हर चीज को क्या करता है, याद करके रखता है। तो देखो बुक टिकट के काम तो आता ही है, हम घर बैठे भी अब टिकट्स को और इजीली बुक कर सकते हैं, डूइंग रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। हमें बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, उसका पहले से हम रिजर्वेशन करवा कर रख सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करके रख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट उद्देश्य क्या हो सकता है, नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकता है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स। आपके जो भी फ्लाइट्स और ट्रेन्स है उनको कंट्रोल करने के काम भी आता है। कैसे, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, अगर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो पायलट क्या करता है, अपने सीनियर्स को पहले से ही एक मैसेज कर सकता है कि यह प्रॉब्लम है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हमें यह बताना पड़ेगा कि हमें ये इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करवानी पड़ी है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम्स की वजह से हमें फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा है या ट्रेन को किसी वजह से रोकना पड़ा है। अब देखो हमें नेक्स्ट पर्पस देखना है, नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकता है, मेकिंग शेड्यूल्स, क्या कर सकता है, शेड्यूल्स बना सकते हो ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, फ्लाइट्स और ट्रेन्स का शेड्यूल बना सकते हो कि ये ट्रेन है यहाँ के लिए इतनी बजे जाती है, यहाँ से इतनी बजे आती है, फ्लाइट्स यहाँ पर इतनी बजे जाएगी, उसका डिपार्चर टाइम क्या होता है, लैंडिंग टाइम क्या होता है, कब कौन से रेस में पहुँच सकती है, बॉम्बे कितनी बजे तक पहुँच जाएगी, दिल्ली कितनी बजे तक पहुँच जाएगी, तो इसको हम शेड्यूल बना सकते हैं और जो भी पैसेंजर्स हैं उन तक हम पहुँचा सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।